नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग स्टेयर केस का बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखने वाले हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर स्टेयर केस के बारे में बात करेंगे, मतलब स्टेयर केस का बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने को स्टेयर केस का कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टेयर केस, कॉम्पोनेंट स्टेयर केस क्या है, वेस्ट स्लैब है, फ्लाइट है, लैंडिंग है, स्टेप है, ट्रेड है, राइजर है। वेस्ट स्लैब मतलब ये जो स्लैब रहता है स्टेयर, मेनली इंक्लाइन पोर्शन रहता है जो मतलब लैंडिंग से अब और फ्लोर मिड लैंडिंग के बीच में, ये तो फ्लोर टू फ्लोर इस रूप में दिख रहा है, दिखे वेस्ट स्लैब। इसके बाद फ्लाइट, फ्लाइट मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स बिटवीन फ्लोर एंड लैंडिंग, मतलब ये फ्लाइट हो गया, ये फ्लाइट हो गया, इसको हम फ्लाइट बोलते हैं। उसके बाद लैंडिंग, लैंडिंग मतलब लेवर ऑफ फ्लोर बिटवीन टू फ्लाइट, मतलब ये साइड का लैंडिंग दिख रहा है दिखे, और इधर इधर भी ये लैंडिंग दिख रहा है, इसको लैंडिंग बोलते हैं। इसके बाद स्टेप, स्टेप मतलब ये राइजर और ट्रेड का स्टेप रहता है। ये ट्रेड, ट्रेड मतलब फ्लैट पार्ट, स्टेप इन मतलब वो लोग जो ये वो जहाँ पैर रखते हैं वो, और राइजर मतलब ये वर्टिकल अप और डाउन, मतलब ये साइड का, ये साइड का, उसको हम राइजर बोलते हैं। अभी इधर देखिए, ये वेस्ट स्लैब 1 है, वेस्ट स्लैब 2 है, ये लैंडिंग है, व्यू ऑफ स्टेयर केस, इधर आप सेक्शन में भी ऐसा देख सकते हैं। तो ये निकालते समय पहले, सबसे पहले अपने को वेस्ट स्लैब के लिए वो स्लैंट हाइट निकालना पड़ता है, स्लैंट। तो वो कैसे निकालते हैं, तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। अभी हाइट ऑफ ईच फ्लोर 3 मीटर, हाइट ऑफ मिड लैंडिंग 1.5 मीटर, विड्थ ऑफ लैंडिंग 2.5 मीटर, विड्थ ऑफ वेस्ट स्लैब 1.2 मीटर, लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब स्ट्रेट में 3 मीटर है। तो ये इंक्लाइन जो लेंथ है वो पाइथागोरस से निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, ये लेंथ ऑफ स्टेयर केस 3 मीटर, ले हाइट ऑफ स्लैब 1.5 मीटर, तो हाइपोटेन्यूस मतलब अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, ये 1.5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर इज इक्वल टू इसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट, तो ये आ गया है 3.35 मीटर एक्चुअल लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब। इधर हम देखेंगे स्टील कैसे दिया है, ये 3.35 लेंथ हो गया, ये 1.15 है, ये 9D+1 बुक लेंथ प्लस कॉन्क्रीट कवर लेंथ, ये प्लिन बीम है, ये लैंडिंग है, ये 50D है ओवरलैप 50D एंड रन में, और ये 50D है। तो अभी सबसे पहले स्टेप्स के रिकॉग्निशन करना, लेंथ ऑफ एक्स बार और वाई बार इधर दिया है, एक्स बार और वाई बार ये दिया हुआ है, एक्स बार वाई बार, तो एक्स बार वाई बार निकालना है, बाद में उसका टोटल लेंथ निकालना है, फिर स्टील कितना लगता है वो निकालना है। अभी इधर देखिए वेस्ट स्लैब 1 का एक्स बार का लेंथ कितना है, 12 डायमीटर, 12 नंबर्स कैसे लगा, 1.2 - 0.05 - 0.05 कवर डिवाइडेड बाई 0.1 + 1, 8 mm डायमीटर। और कटिंग लेंथ कैसे आ गया, ये 3.35 + 1.15, इधर देखिए 3.35 + 1.15 + 0.1 + 9 × 0.008, उस हिसाब से ये कटिंग लेंथ आ गया। नीचे का देखेंगे 3.35 - 0.05 - 0.05 / 0.1 + 1 इज इक्वल टू 34, ये आ गया। और इसका कटिंग लेंथ आ गया 1.2 + 50D, 50 × 0.008 + 50 × 0.008 इज इक्वल टू 2 मीटर आ गया। इस हिसाब से वेस्ट स्लैब का एक सर वाई बार आ गया। इसके बाद है अपना वेस्ट स्लैब 2, तो 2 का निकालते समय लेंथ ऑफ एक्स बार सेम कंडीशन में, इधर भी लेंथ ऑफ वाई बार में नंबर्स ऑफ बार 12 सेम, इधर भी नंबर ऑफ वाई बार 34 सेम आएगा, 8 mm 8 mm। इसमें कटिंग लेंथ में डिफरेंस आएगा, इसमें कैसे आएगा 3.35 + 1.15 + 1.15, इधर देखिए स्केच है अपना 3.35 1.15 1.15, तो इस हिसाब से आएगा। और ये नीचे का लेंथ का सेम ही आएगा 1.2 + 50 × 0.008 + 50 × 0.008, तो इस हिसाब से ये टोटल ये आ गया, कटिंग लेंथ आ गया, ये 12 नंबर है, ये कटिंग लेंथ है, ये टोटल कटिंग लेंथ है, ये 1 और 2। लैंडिंग में कैसा है, एक्स बार ऑफ लैंडिंग 1 स्लैब के रेनफोर्समेंट में टाई किया हुआ है, तो दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं लैंडिंग 2 के लिए, और एक्स बार का लैंडिंग 1 ऑलरेडी है वेस्ट स्लैब में, कैलकुलेशन किया है,
इसलिए वो एक्स बार के निकालने की जरूरत है। फिर कैलकुलेशन में वाई बार निकालना है, वाई बार कितना आ गया 1.2 माइनस 0.05 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 1, 8 एमएम डायमीटर है। और कटिंग लेंथ कितना आया 2.5 माइनस 0.05 माइनस 0.05, ये 2.4 आ गया, ये टोटल कटिंग लेंथ आ गया। इस हिसाब से ये स्टेयर के सामने टोटल वेस्ट लैब वन वेस्ट लैब टू लैंडिंग इस हिसाब से ये पूरा रेनफोर्समेंट निकाला। और ये अपना फॉर्मूला के हिसाब से लगाएंगे तो टोटल लेंथ इधर आएगा, टोटल आएगा इधर, फिर वेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल का वेट अपना आ गया 114.04 केजी। ये स्टेप बाय स्टेप देखिए, सबसे पहले स्टेयर केस का वेस्ट लैब वन वेस्ट लैब टू, फिर उसका स्लैंट हाइट का निकालना, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना, ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो समझने में आसान रहेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर पहली बार मेरा चैनल आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।